आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। जयजयपुर से मिशन चौक तक बन रहे डीबी रोड निर्माण में लेट लतीफी व जर्जर हालात को देखकर विफरे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष महेंद्र चंद्रा जी। जिला जांजगीर चांपा के जयजयपुर विधानसभा अंतर्गत बन रहे डीबी रोड जयजयपुर से मिशन चौक तक रोड की हालत बहुत जर्जर हो चुका है। ठेकेदार के लेट लतीफी के कारण आज सड़क पर चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लोग पैदल चलने से भी डर रहे हैं। सड़क इतना गड्ढा हो चुका है कि आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो ही रहा है। ठेकेदार के लेट लतीफी व निष्क्रियता के कारण आज लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे क्षुब्ध होकर नगर पंचायत जयजयपुर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष व जोगी कांग्रेस जे छत्तीसगढ़ के प्रदेश सचिव श्री महेंद्र चंद्र ने प्रेस वार्ता पर क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जी, रोड तो सेंक्शन हुआ है लेकिन काम चालू करते करते इनको बरसात का समय आ गया और रोड जिस रास्ते से जिस गांव से गुजरती है वहां गांव जो है वो प्रत्येक गांव इतना बुरी तरह से ख़राब है कि वहां चलना पैदल चलना भी दुभर हो गया है। गाड़ी मोटर तो बहुत दूर की बात है, पैदल चलना भी दुभर हो गया है। और एडीबी वाले इतने असंवेदनशील और इतने निकम्मे भी हैं कि कम से कम जब तक रोड नहीं बन जाता, बरसात जब तक निकल जाए तब तक कम से कम उसमें कुछ कच्चा मटेरियल डाल करके बनाने लायक स्थिति, चलने लायक स्थिति करना चाहिए। हम उनको पत्राचार भी किए हैं और करेंगे भी, और यदि उन्होंने ऐसा उसमें ध्यान नहीं दिया तो फिर आंदोलन के लिए भी हम लोग बाध्य होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की योजना है वो पूरी तरह से केवल कागज़ों पर सीमित है और धरातल पर भौतिक रूप से पूरी तरह से फ्लाप है। आप कहीं पर भी चले जाइए रोड में पूरे दिन, और शाम ढलती है तब तो और विकट स्थिति पैदा हो जाती है कि जो गाय है वो पूरी तरह से सड़क पर कब्जा करके बैठी हुई है। और सरकार जिसमें जहां गौठान के जो पदाधिकारी नियुक्त किए हैं वो भी पूरी तरह से निष्क्रिय है, और जिसकी वजह से दुर्घटना की जो आशंका है वो पूरी तरह से बनी हुई है और दुर्घटना की संख्या जो बढ़ रही है उसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि जो रख रखाव है गाय का और जो सरकार की जो योजना है पूरी तरह से फ्लॉप है। खबरों में बने रहने के लिए जैक